तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक प्री रेक्विजिट चेक कराना चाहूँगा आपको। आज से 2 लेक्चर्स पहले हम लोगों ने प्रोसेस फ्रेमवर्क की बात की थी। ये चीज़ ऐसी है जो मस्ट में मैम ने अब पढ़ाई है, लेकिन हम लोगों ने चीज़ पहले कवर कर दी, तो प्रोसेस फ्रेमवर्क को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसेस फ्रेमवर्क क्या होता है? बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस होते हैं और हर फ्रेमवर्क बेसिकली एक एक्टिविटी को शो कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने एक कॉलेज का CMS बनाना था, तो एक एक्टिविटी होगी कि हम स्टूडेंट के सेक्शन बनाते हैं, एक एक्टिविटी होगी टीचर का सेक्शन बनाते हैं। तो एक फ्रेम एक्टिविटी जो होती है वो क्या करती है, ठीक है, इसी तरह क्या होता है जो हर एक्टिविटी होती है किसी ना किसी टास्क को शो कर रही होती है। अब फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ जो होती हैं, प्रोसेस फ्रेमवर्क होता है वो अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ के अंदर होता है। अम्ब्रेला का मतलब क्या, एक छत है बेसिकली। उस छत के अंडर क्या क्या काम होते हैं, हमारे पास वर्क टास्क होते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाने का वर्क हो सकता है, कोई माइलस्टोन्स हो सकते हैं, कोई डिलीवरेबल्स हो सकते हैं, या कोई चीज़ होती है जो चेक पॉइंट्स होते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के चेक करने के लिए कि क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें जिसकी बेसिस के ऊपर हम कहते हैं कि ये जो है हमारा प्रोसेस फ्रेमवर्क है। आज जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल के ऊपर। इससे पहले कि मैं ये लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी प्रोसेस मॉडल की बात आती है, इट इज़ नॉट नेसेसरी ईच टाइम कि जो स्लाइड्स पे लिखा हुआ आप उसी चीज़ को बयान करें। प्रोसेस मॉडल्स को अंडरस्टैंड करें वो क्या चीज़ होती है, ठीक है, और उसके बिहाफ के ऊपर फिर आप उसको अपनी असेसमेंट कर सकते हैं। कि अगर सपोज करें पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि वाटरफॉल मॉडल क्या है, तो वो क्या चीज़ है, आप इसको अपने लफ्ज़ों में भी बयान कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स बेसिकली क्या होते हैं, वो मॉडल्स होते हैं जिसके अंदर किसी भी प्रोग्राम या किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए या बनाने के लिए हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ एक्शंस होते हैं, कोई टास्क होते हैं, कुछ माइलस्टोन्स होते हैं, या वो रिक्वायर्ड होता है, कोई काम होता है जो बेसिकली किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने करना होता है ताकि वो किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सके। तो हम ये सिंपल कह सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जितने भी टास्क इस्तेमाल होते हैं, जितने भी माइलस्टोन्स होते हैं, बेसिकली उसको हम लोग प्रोसेस मॉडल्स कहते हैं। उस मॉडलिंग टेक्निक को बेसिकली हम प्रोसेस मॉडल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स होते हैं या प्रोसेस मॉडल्स जो होते हैं वो कभी भी परफेक्ट नहीं होते, ठीक है। ये सिर्फ क्या करते हैं, एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए कि वो एक काम कर सके। और ये दुनिया में स्पेसिफिकली ये भी नहीं है कि एक ही मॉडल है या एक ही तरीका है काम करने का। मिसाल के तौर पर आपकी क्लास के अंदर अगर मैं सब बच्चों को ये बोलूँ कि एक प्रोग्राम लिखें फंक्शंस के थ्रू या क्लासेस के थ्रू और मुझे दो सब कैलकुलेटर बनाकर बताएं, ठीक है, तो आपकी क्लास में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्या करेंगे कि सबसे पहले फंक्शंस क्रिएट करेंगे, फिर क्लासेस बनाएंगे और फिर उसके मेंबर फंक्शंस लिखेंगे, ठीक है, सॉरी डाटा मेंबर्स लिखेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो मेन फंक्शंस पहले लिखेंगे और उसके बाद जो है वो क्या करेंगे, डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो बताने की बात यह है कि जो प्रोसेस मॉडल्स होते हैं वो परफेक्ट नहीं होते कभी भी, वो लीड टू द कह सकते हैं कि वो क्या करते हैं, जिनको जिन पे अमल करके बेसिकली हम लोग जो है वो कि जो हमारा एक सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका जो होता है उसको अचीव कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नाम ही इस चीज़ का है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। और प्रोसेस मॉडल किस चीज़ को कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू मेक अ सॉफ्टवेयर। तो दोनों बेसिकली एक ही चीज़ है, लेकिन प्रोसेस मॉडल इटसेल्फ क्या चीज़ है, एक मॉडल किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो इस्तेमाल होता है। आगे जब भी हम लोग प्रोसेस मॉडल्स देखेंगे तो आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा जी, जो प्रोसेस मॉडल्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स होते हैं, वो बेसिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कंट्रोलशिप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसको मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल होता है अगर वो कंट्रोल से बाहर हो जाएं। मिसाल के तौर पर हमने बोला था कि 30 तारीख से पहले पहले हम आपको सॉफ्टवेयर बनाकर दे देंगे, और अगर हमने प्रोसेस मॉडल नहीं कोई डिफाइन किया या किसी प्रोसेस मॉडल्स के थ्रू हम लोगों ने सॉफ्टवेयर प्रोसेस सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, तो देर इज़ चांसेस कि वो जो हमारी टाइम लिमिट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी या बजट भी इंक्रीज़ हो सकता है। तो प्रोसेस मॉडल्स अभी जब भी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि प्रोसेस मॉडल्स का क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। अच्छा जी, जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स होते हैं ना, इनको अडॉप्ट इस तरीके से किया जाता है कि ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नीड, सबसे पहली बात,
और उसके बाद जो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है उसके बिहाफ पे होता है। मतलब कि दुनिया में इस वक्त 1000+ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स हैं। मतलब ये सॉफ्टवेयर बनाने का ये तरीका, ये सॉफ्टवेयर बनाने का ये तरीका, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाने का एक अलग तरीका होता है, नॉर्मल जो स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं उनका अलग तरीका होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका सॉफ्टवेयर है क्या, नंबर एक चीज़। और नंबर दो चीज़ है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बंदा बना रहा है उसकी ज़रूरियात क्या हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल डिफाइन करते हैं। अच्छा जी, प्रोसेस मॉडल्स की जेनेरिक टर्मिनोलॉजी को देखते हुए हम क्या कहते हैं, सबसे पहले क्या किया जाता है कि सॉफ्टवेयर का एक वेरिएंट बिल्ड किया जाता है, माउस की तरफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है उस टाइम तक अनटिल के क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाए। एक कैलकुलेटर बनाना था मिसाल के तौर पे, तो हमने क्या किया, सबसे पहले कैलकुलेटर बनाया, हम लोगों ने कस्टमर को चेक कराया, कस्टमर ने उसके अंदर चेंजेस बोली, ये चेंजेस करते रहेंगे जब तक कस्टमर हाँ नहीं कर देता, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके मेंटेनेंस फेज पे चले जाएंगे कि अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये मेंटेनेंस फेज पे आ जाएगा, जब तक क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं होता तब तक ये मॉड्यूल रिपीट होता रहेगा। ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल नहीं है, मैं आपको चीज़ बताऊं, ये एक जेनेरिक मॉडल है, बेसिकली सारे मॉडल्स फिर इस पे बनाए जाते हैं, ठीक है। और मेंटेनेंस फेज पे आते हैं, मेंटेनेंस फेज के बाद क्या होता है, हमारे पास सॉफ्टवेयर की रिटायरमेंट आ जाती है, यानी एक टाइम आता है जिसके बाद उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होना बंद हो जाता है। जिस तरह आज से बहुत टाइम पहले हम सब लोग याहू मैसेंजर यूज़ किया करते थे, सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर था, उसके बाद व्हाट्सएप जैसी आया याहू मैसेंजर को तो लोगों ने पूछना ही छोड़ दिया। तो हर सॉफ्टवेयर की एक लाइफ होती है और उस सॉफ्टवेयर की लाइफ के बाद हम उसको रिटायरमेंट के बेसिस के ऊपर ले जाते हैं। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स बेसिकली दो टाइप्स के हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पहले हमने पढ़ा था प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल्स थे और नंबर दो थे एजाइल थे। अभी हम देखते हैं प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल्स कौन से होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। देखो, जो प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल्स होते हैं ना, उनकी एक सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि वो ऑर्डरली बेस्ड होते हैं, यानी उनका एक ऑर्डर होता है, सबसे पहले ये काम करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, ठीक है। और जो फ्रेमवर्क बनाया जाता है, जो एक्टिविटीज़ बनाई जाती हैं, उसका भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले हम लोग ये टास्क परफॉर्म करेंगे, फिर हम ये टास्क परफॉर्म करेंगे, फिर हम ये टास्क परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तीसरी चीज़ ये है कि जब भी हम लोग प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल्स की बात करते हैं तो हमारा, ठीक है। अच्छा जी, तीसरी चीज़ हम ये कहते हैं कि प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल जो होते हैं उनका बेसिकली काम ही क्या होता है कि आपके गोल्स को मीट करना। गोल क्या हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना, मिसाल के तौर पर मैं इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर बनाना चाहता हूँ, तो ये मेरा एक गोल है। तो प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल्स में क्या होगा कि जो एक तरीका मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि सबसे पहले मैंने ये चीज़ करनी है, फिर ये चीज़ करनी है, फिर ये चीज़ करनी है, और उसके अंदर प्रोसेस फ्रेमवर्क्स जो होते हैं या एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो भी प्री डिफाइन कर देना कि मैं सबसे पहले इसका इंटरफेस डिज़ाइन करूँगा, फिर मैं इसकी कोडिंग करूँगा, फिर मैं इसकी टेस्टिंग करूँगा, और फिर मैं आगे जाके कस्टमर को सेंड करूँगा। तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो मैंने पहले से डिफ़ाइन कर दी, ठीक है, एक ऑर्डरली अप्रोच मैंने रखी। तो इस तरह के जो मॉडल्स होते हैं हम उसको प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जब आप इस तरह के मॉडल्स को अडाप्ट करने की कोशिश करते हो तो ये डिपेंड करता है कि आपका सॉफ्टवेयर जो आप बनाने जा रहे हो उसकी नेचर क्या, ठीक है। नंबर दो चीज़ ये है कि किस तरह के लोग हैं जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, और नंबर तीन चीज़ ये है कि जिस इन्वायरमेंट में आप लोग काम करने वाले हो वो इन्वायरमेंट किस तरीके का। जिस तरह मैंने पहले भी बात बोली कि हर सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल दुनिया में बेशुमार हैं, अभी आप लोग जो पढ़ोगे तो वो तो बहुत कम से हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज़ है, लेकिन जो इशू है इसके अंदर वो ये है कि जो डिपेंड करता है कि जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप करने जा रहे हो उसके अंदर काम करने वाले लोग किस तरीके से हैं, ठीक है। नंबर दो चीज़ है कि उसके अंदर जो हम बनाने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर उसका इन्वायरमेंट किस तरीके का है, और नंबर तीन चीज़ ये है कि सॉफ्टवेयर खुद किस तरीके का, किस नेचर का सॉफ्टवेयर है। एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटी सी, कॉलेज का हम लोग CMS बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब जब हम कॉलेज का CMS बनाएंगे देन डेफिनेटली हम लोगों को एक ऐसा वर्किंग इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पर कम से कम मुझे 4 से 5 लोग चाहिए काम करने के लिए। एक जो फैकल्टी के लॉगिन्स या फैकल्टी को सेक्शन को अंडरस्टैंड करें, नंबर दो जो स्टूडेंट को, नंबर थ्री पेरेंट्स को, और नंबर फोर कॉलेज के प्रिंसिपल को, ठीक है। अच्छा, लोग किस तरीके के होने चाहिए, ऑब्वियसली बात है। एक अगर मिसाल के तौर पे मैंने ये सोचा है कि मैंने जो कॉलेज का CMS है वो मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाना है, तो देन डेफिनेटली वी हैव टू हायर दोज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हु नो डैट हाउ टू वर्क इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग,
जिनको पता हो कि क्लासेस के अंदर काम कैसे किया जाता है, ठीक है। और नंबर तीन चीज़ है स्पेसिफिक प्रोडक्ट या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो होता है। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का मतलब क्या हो गया इसके अंदर कि मिसाल के तौर पर एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जिसका आपको शुरू में नहीं था पता कि उसके अंदर आपको क्या क्या तब्दीलियाँ करनी पड़ सकती हैं वक्त के साथ साथ, तो फिर आप प्रोसेस मॉडल वो उठाएंगे जिसके अंदर आपके पास इतनी कैपेसिटी हो कि आप किसी भी टाइम उसको चेंज कर सकें। अभी जब आप मॉडल्स पढ़ेंगे तो आगे आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। अच्छा जी, कोई भी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है ना प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल्स के अंदर, वो क्या करता है बेसिकली ये पांच जो मॉड्स होते हैं ना उसको मद्देनजर रखते हुए ना प्रोसेस मॉडल्स को यूज़ करता है। नंबर वन कम्युनिकेशन, नंबर टू प्लानिंग, नंबर थ्री मॉडलिंग, नंबर फोर कंस्ट्रक्शन और नंबर फाइव डिप्लॉयमेंट। ये पांच सेक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम फिर रिपीट कर लेते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कस्टमर से बात करना कि आपको चाहिए क्या। प्लानिंग का मतलब क्या हुआ कि अब आपने कस्टमर से पूछ लिया तो अब आपने क्या करना है ये डिफाइन करना है कि आपने काम करना किस तरीके से। मॉडलिंग, मॉडलिंग का मतलब होता है उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना, उसके मॉडल्स डिफाइन करना, जिस तरह पहले आप लोग डेटाबेस सिस्टम के अंदर ओरिजिनल डेटाबेस को क्रिएट करने से पहले उसकी ईआर डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, क्लास डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, एक्टिविटी फ्लो डायग्राम बनाया करते होते थे, ठीक है। तो वो हम लोग कहते थे हमने इसकी मॉडलिंग कर दी है। कंस्ट्रक्शन, लव से पता चल रहा है सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, प्रोग्रामिंग करना। और लास्ट पे आता है डिप्लॉयमेंट, आपने सॉफ्टवेयर बना लिया अब आपने इसको कस्टमर के सिस्टम के ऊपर चलाकर भी देना है। तो ये जो पांच चीज़ें होती हैं जब भी कोई हम कोई प्रोसेस मॉडल चूज़ करते हैं तो हम लोगों को ये चीज़ मद्देनजर रखनी पड़ती है के ऐसे कौन कौन से मैकेनिज्म हैं जिनको यूज़ करते हुए हम लोग जो है किसी भी प्रोसेस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी ये जो मॉडल का जो लफ्ज़ है प्री सब्सक्राइब जो है, प्रीस्क्राइब जो होता है, ये बेसिकली क्या होता है, ये सेट ऑफ एलिमेंट्स यानी जो प्रोसेसेस होते हैं उनको जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एक्शंस हैं या टास्क हैं, वो उसको शो कर रहा होता है। और यही डेफिनेशन हम लोगों ने सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स की भी पढ़ी है। तो प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल्स में भी बेसिकली यही होता है कि हमें कौन कौन से काम करने पड़ेंगे, हम लोगों को किस किस तरीके से काम करना पड़ेगा, हमारे कौन कौन से काम हैं, हमारा जो काम है उसका प्रोडक्ट की मतलब एंडिंग क्या होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, हम लोग सारे इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हैं जब हम लोग कोई प्रोसेस मॉडल बनाते हैं। तो प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल भी जब भी हम बनाएंगे तो उसमें भी यही चीज़ हम नोटिस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, जो प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल होता है ना उसमें हर एलिमेंट या हर सेक्शन या हर एरिया जो है वो किसी दूसरे के साथ रिलेट कर रहा होता है। इसकी मैं आपको जो है ना आगे जो डायग्राम आ रही है वाटरफॉल मॉडल की, जब वो दिखाऊंगा तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। वाटरफॉल मॉडल दुनिया का सबसे पुराना और सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है उसको हम लोग वाटरफॉल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा हसनैन, माइक्रोफोन ऑन करो और मुझे बताओ कि जो वाटरफॉल होता है मतलब उसका मतलब ये होगा कि पानी का बहाव, यही बात है ना। तो पानी के बहाव में तो ये चीज़ होती है कि पानी ऊपर से नीचे आता है या नीचे से ऊपर जाता है। हसनैन जी सर, जब हम वाटरफॉल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो वाटरफॉल का मतलब क्या होता है? पानी ऊपर से नीचे आता है। पानी ऊपर से नीचे आता है, जिस तरह हम लोग कहते हैं कि जी नायग्रा फॉल्स है या और मुझे कोई पता नहीं, वैसे नायग्रा फॉल्स को मैं जानता हूँ, ठीक है। तो वाटरफॉल मॉडल में भी बेसिकली यही होता है कि हम पहला स्टेप, हमने कहा था ना कि हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स में डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म करके किसी सॉफ्टवेयर को अचीव करते हैं। अब देखें, पहला मॉड्यूल है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको गैदर किया जाता है, उनको गैदर किया जाता है। नंबर टू प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब क्या हो गया, प्लान करना। इसमें क्या होता है, हम लोग चेक करते हैं कि जो हमें कस्टमर से रिक्वायरमेंट मिली है उसके मुताबिक हम लोगों ने एस्टिमेट लगाना होता है कि हमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी, हमें कितना टाइम लगेगा, हमें किस मॉड्यूल को, किस सेक्शन को बेसिकली कितना टाइम देना है, और उसके बाद एंड प्रोडक्ट क्या चीज़ होगी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग भी करना कि बेसिकली प्रोजेक्ट बेसिकली शुरू से किधर से हुआ था और एंड होके किधर जा रहा है। मॉडलिंग,
जैसे हमने पहले भी वर्ड सुना मॉडलिंग में क्या होता है, हम एनालिसिस करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि आप लोग डेटाबेस सिस्टम पढ़ के आए हो, तो जब हम लोग कोडिंग करते थे उससे पहले उसकी ईआर डायग्राम बनाते थे, डाटा फ्लो डायग्राम बनाते हो, यूज केसेस बनाते हो, सीक्वेंस डायग्राम बनाते हो, क्लास डायग्राम बनाते हो, डाटा फ्लो एक्टिविटी डायग्राम बनाते हो। तो ये जो सारे डायग्राम्स होती हैं या डिजाइन होते हैं बेसिकली, वो हमारे मॉडलिंग के अंदर आते हैं। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि कोड को बनाना, यानी कोड को डेवलप करना और उसके बाद उसके ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म करना, ठीक है। ये जो होती है हमारी कंस्ट्रक्शन होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिप्लॉयमेंट, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि हमारे पास जो डिलीवरी होती है, जो कस्टमर को हम लोग सेंड करते हैं, हम लोग वो देखते हैं कि कस्टमर को जो सेंड किया है क्या ये वाकई में वही चीज़ है जो हमने बनानी थी, और क्या ये वाकई में वही चीज़ है जो कस्टमर चाहता था हम लोगों से, ठीक है। तो ये अगर आप देखें वाटरफॉल मॉडल में, सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि कम्युनिकेशन होगी, फिर प्लानिंग, फिर मॉडलिंग, फिर कंस्ट्रक्शन और फिर डिप्लॉयमेंट। इशू क्या है? इशू ये है कि अगर मिसाल के तौर पर कम्युनिकेशन के अंदर कस्टमर की तरफ से कोई इशू आ गया, ठीक है, तो हम लोग जब प्लानिंग करेंगे तो वापस मुड़ के ऊपर नहीं जा सकते। यही एक बहुत बड़ा नुकसान है वाटरफॉल मॉडल का, कि वाटरफॉल मॉडल में हम तब ही वापस जाके चेक करेंगे या रिक्वायरमेंट चेंज होने पे सॉफ्टवेयर को चेंज करेंगे जब हम डिप्लॉयमेंट फेज पे आ जाएंगे। एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी ईच टाइम के जो आप जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो आपको क्लियर हो, ठीक है। तो ये चीज़ एक वाटरफॉल मॉडल, क्योंकि हमें कहते हैं ये ऊपर से नीचे होता है, इसका मतलब है कि हमें ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होता है। हम किसी भी फेज से वापस किसी पिछले फेज पे नहीं मुड़ सकते, सिर्फ लास्ट डिप्लॉयमेंट के बाद दोबारा हम कम्युनिकेशन पे जा सकते हैं, अगर कस्टमर कोई चीज़ चेंज करने को बोले या हमारी कोई टारगेट अचीव ना हो तो, ठीक है। देखते हैं, ये वही चीज़ है जो बेसिकली मैंने अभी आपको पढ़ाई है। इसमें आप देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या कि हम देखते हैं कि कौन से गोल्स अचीव करने थे। स्केजलिंग ट्रैकिंग का मतलब क्या था कि हमने चेक करना होता है कि ट्रैक क्या। सॉफ्टवेयर सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है, बेसिकली सिस्टम का आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर को डिज़ाइनिंग का फेज होता है। जो इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग का, ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन में आती है। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं किसी मॉड्यूल की और पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर की, पहले बनाते हैं और उसके बाद टेस्टिंग करते हैं। ऑपरेशन और मेंटेनेंस से बेसिकली जो डिप्लॉयमेंट में आता है, उसमें बेसिकली क्या होता है, हम लोग चेक करते हैं कि जो जितने भी काम हम लोगों ने किए हैं, आइदर दे आर मीटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ कस्टमर आर नॉट। और दूसरी चीज़ होती है, हम ये देखते हैं कि क्या हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको हम मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसकी मेंटेनेंस प्रोवाइड करना है कस्टमर को। लिमिटेशंस देखते हैं क्या चीज़ है। अब इसी बात है, जब इतना पुराना मॉडल है तो उसकी बहुत सारे नुकसान भी होंगे, ठीक है। अगर आप लोग देखें तो रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल वाटरफॉल के अंदर, हम लोग ये मद्देनज़र रखते हैं कि ये बेसिकली ज़्यादा चेंज नहीं होती, ठीक है। नंबर दो चीज़ ये है कि जी जब भी किसी नेक्स्ट स्टेप पे जाना हो, तो मिसाल के तौर पर अगर मुझे प्लानिंग पे जाना है तो मुझे कम्युनिकेशन पहले हासिल करनी होगी, फिर ही मैं प्लानिंग पे जा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब प्रोडक्ट फिनिश होगा, प्रोडक्ट ख़त्म होगा, उसके बाद ही हम उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि जी ये एक बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव की सूरत में है कि मिसाल के तौर पे आप लोग चूंकि वापस नहीं मुड़ सकते ऊपर चेक करने के लिए या चेंजिंग्स करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि जब शुरू में जो आप चीज़ सोचते हो और एंड पे जो चीज़ बनती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, तो एक शॉकिंग सरप्राइज़ हो सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए भी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए भी, कस्टमर के लिए भी, कि सोचा क्या था और बन क्या गया, ठीक है। उसके बाद ये है कि जी ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं ये किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में अगर आप लोग जाएँ, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होता है, एक प्लानिंग होता है, एक मॉडलिंग डिपार्टमेंट होता है, एक टेस्टिंग डिपार्टमेंट होता है, एक डिप्लॉयमेंट डिपार्टमेंट होता है। तो इसका मतलब है कि जब अगर फेज नंबर वन चल रहा है कम्युनिकेशन, तो इसका मतलब है प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट वाले तो बिल्कुल वेले बैठे हुए हैं, वो तो कोई काम नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि आधी से ज़्यादा टीम तो वैसे ही आइडल बैठी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, मैंने जो जिस तरह पहले बात बोली, ये प्रोसेस मॉडल तब सक्सेसफुल है जब कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट जो है वो क्लियर हो, कस्टमर को पता हो कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए और उसको हम लोगों ने किस किस तरीके से पहुँचना है। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या हैं? ऑब्वियसली बात है कि रियल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें इस तरह के सीक्वेंशियल मॉडल को फॉलो करना बड़ा ही मुश्किल काम है, ठीक है।
कस्टमर के लिए ये चीज़ चेक करना कि सारी की सारी रिक्वायरमेंट जो है वो इकट्ठी एक ही बार दे देना बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि कस्टमर इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर। उसको सिर्फ ये, जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर आज़ाद मेगा मार्ट का सॉफ्टवेयर था तो चौधरी सईद ने सबसे पहली बार जाके यही बोला होगा कि मुझे पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर बना कर दो। फिर वक्त के साथ साथ उसने बोला कि नहीं 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 ये चीज़ नहीं, ये चीज़ भी करके दो अंदर, ये भी चीज़ उसके अंदर करके दें, ये भी चीज़ें चेंज कर दें, ये चीज़ चेंज करें, ये चीज़ चेंज करें। तो किसी कस्टमर के लिए एट द स्पॉट इकट्ठी चीज़ें क्लियर करना बड़ा मुश्किल काम है, और हमारा जो प्रोसेस मॉडल है वो इस तरीके का कि हम इसको फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हम दोबारा वापस ऊपर नहीं जा सकते अनटिल के मैं एक सॉफ्टवेयर पूरा डेवलप ना कर दूं। ये इस तरह के मैंने पूरा सॉफ्टवेयर बना दिया और उसके बाद कस्टमर ने मुझे बोला कि भाई इसके अंदर तो ये चीज़ गलत है, मैंने तो नहीं ये चीज़ चाह रहा था या मेरी एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी। अच्छा जी, एक चीज़ क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि जी अज्यूम पेशेंस, हम बेसिकली क्या होता है कि हम कस्टमर से जो है सफ़र का जो है ना, हम लोग कस्टमर से जो है ना एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जब पूरा प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा उसके बाद ही कस्टमर को दिखाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि फिर कस्टमर के अंदर एक बहुत बड़ा पेशेंस लेवल होना चाहिए कि मिसाल के तौर पर अगर आप में से कोई बंदा फाइवर पे काम करता हो, उसको कोई ऑर्डर दे वेबसाइट का या मुझे ऑर्डर मिलता है वेबसाइट का, मैं दो दिन कस्टमर को ना रिप्लाई करूं तो तीसरे दिन कस्टमर मुझे मैसेज करके पूछता कि भाई मुझे बताओ किधर तक काम पहुंचा है। इसी तरह अगर आप भी किसी को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए देंगे तो आपके भी माइंड में बातें होंगी, और अगर आप वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जब तक मैं वेबसाइट कम्प्लीटली डिवेलप नहीं कर दूंगा मैं कस्टमर को नहीं दिखा सकता, तो इसका मतलब मैं कस्टमर को किसी तरह की अपडेट नहीं दे सकता इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, जो एक मसले आ रहे थे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल वाटरफॉल के अंदर, उसको थोड़ा सा इन्हेंस करके एक नया मॉडल डेवलप किया गया जिसका नाम था वी मॉडल। अगर आप अपनी डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर आपको वी मॉडल नज़र आ रहा है। वी मॉडल काम कैसे करता है? वी मॉडल शुरू किया जाता है लेफ्ट साइड से, जिधर मेरा माउस है इस वक्त, हम पहले डाउन जाते हैं और फिर अप जाते हैं। अच्छा जी, डाउन जाके देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले हमारा रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग है, रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग में फिर वही बात आ जाती है, हम रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं उसका, उसके बाद हम कंपोनेंट डिज़ाइन करते हैं मतलब उसके मॉड्यूल्स डिज़ाइन करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं कोड को डेवलप कर देते हैं। अब इधर आते हैं, सबसे पहले कोड की टेस्टिंग होती है, उसके बाद हम क्या करते हैं जितने भी कंपोनेंट्स बनाए होते हैं उनकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं कि आर्किटेक्चर उसका सही बना या नहीं बना, ठीक है। और फिर हम ये भी चेक करते हैं कि क्या जो रिक्वायरमेंट्स हमने कस्टमर से ली हैं क्या वो वैलिड है या नहीं है, उसकी टेस्टिंग होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिर हम लोग क्या करते हैं कि टेस्टिंग की एक्सेप्टेंस कर देते हैं कि हमने जितनी भी टेस्टिंग की वो सारी की सारी चीज़ जो है वो क्लियर है, सॉर्टेड है, इसके अंदर कोई भी इशू नहीं है। तो अगर आप लोगों ने देखा हो तो ये वी शेप बनती है, इसीलिए इसको हम लोग वी मॉडल बोलते हैं, ठीक है। तो वी मॉडल में क्या होता है, हमारे पास पहले रिक्वायरमेंट्स आती हैं, फिर हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं, फिर हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, फिर हम कोड करते हैं, और उसके बाद बारी बारी इनसे रेलिवेंट जो इनकी टेस्टिंग होती है वो परफॉर्म करके बैक भेजते हैं इनके ऊपर कि ये चीज़ ठीक हुई है। अब इसके अंदर भी इशू है, इशू ये है कि हम दोबारा अगर फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट्स के अंदर कोई इशू आ गया है तो हम दोबारा वापस मुड़ेंगे यहां से, हम यहां से कंपोनेंट डिज़ाइन से वापस नहीं मुड़ सकते, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है वाटरफॉल में या वी मॉडल में कि अगर कहीं भी हमें कोई तब्दीली करनी पड़ रही है या हमारी कोई चीज़ गलत हो गई है तो हम उसको तब तक ठीक नहीं कर सकते जब तक सॉफ्टवेयर कंप्लीट ना डिज़ाइन करें। और मेरे हाल से ये एक बहुत बुरी अप्रोच होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नज़र में, या किसी भी जब आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं उसकी नज़र में। इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल, लफ्ज इंक्रीमेंट का मतलब होता है किसी चीज के अंदर एक इंक्रीमेंट कर देना, प्लस कर देना, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल के अंदर भी कस्टमर जो होता है वो पांच ही चीजें करता है, कौन कौन सी, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट, जो वाटरफॉल में हुआ था। मतलब काम वही करने हैं लेकिन काम करने का तरीका बदल गया। चलें जी देखते हैं काम करने का तरीका क्या। पहली इंक्रीमेंट में हम लोगों ने क्या किया, पहले कम्युनिकेशन की, फिर हमने प्लानिंग की, फिर हमने मॉडलिंग की, फिर हमने कंस्ट्रक्शन की, फिर हमने डिप्लॉयमेंट कर दी, फिर एक इंक्रीमेंट किया। मतलब मैंने एक, अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, मैंने कैलकुलेटर बनाना था, कैलकुलेटर के अंदर मुझे चार ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सबट्रैक्शन और एडिशन। तो मैंने पहले इंक्रीमेंट में क्या किया, पहले में हमने क्या किया, एक डमी मॉड्यूल बनाया सबसे पहले, फिर इंक्रीमेंट किया मैंने उसके अंदर, फिर मैंने एडिशन के लिए फंक्शन लिखा, फिर मैंने क्या किया, मैंने एडिशन किया, मैंने सब्ट्रैक्शन का किया, फिर चौथा और फिर पांचवा।
तो बेसिकली हमने क्या किया कि हमारा जो पूरा सॉफ्टवेयर था, हम लोगों ने उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया, ठीक है। बेसिकली जो हमेशा हमारा पहला जो मॉड्यूल होता है वो हमारा टेस्टिंग, हम कह सकते हैं डमी होता है, जिसमें हम चेक करते हैं कि हमारा जो हम यूज़ कर रहे हैं मॉडल वो ठीक भी है या नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने हर मॉड्यूल अलग अलग डेवलप किया और बारी बारी किया। अब इसका फ़ायदा क्या, कस्टमर मुझे 2 दिन बाद रब्ता करता है, तो चूंकि मैं 1 या 2 दिन बाद जो है इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ करने की वजह से एडिशन का बना चुका हूँगा, तो मैं कस्टमर को एडिशन का चेक करवा दूंगा। अब कस्टमर को ये भी हो सकता है कि इसके अंदर कोई चीज़ चेंज करवानी पड़ गई हो, तो मैं क्या करूँगा, जो बाकी जितने भी मॉडल्स होंगे उनके ऊपर बनाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखूंगा कि मुझे वो चीज़ करनी है, ठीक है। अच्छा जी, इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल ज़रा आप थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वो ये है कि क्या किया जाता है कि जो पूरा सॉफ्टवेयर को डिलीवर, रादर देन हम एक बार करें, जो हम लोग लास्ट टाइम प्रोसेस मॉडल वाटरफॉल और वी में कह रहे थे कि जब हमारा पूरा सॉफ्टवेयर बन जाता है उसके बाद हम डिलीवर करते हैं, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पूरे सॉफ्टवेयर को हम चंक्स में या ब्रोकन कर देते हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में, डिफरेंट इंक्रीमेंट्स में, ठीक है। तो जो बेसिकली हर इंक्रीमेंट होता है वो किसी ना किसी मॉड्यूल को कंप्लीट करके दे रहा होता है। जो पहला इंक्रीमेंट होता है रादर, वो हमेशा जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो इंक्लूड होती है उसके अंदर, जो मैंने पहले बोला एक डमी चीज़ होती है, ठीक है। और उसके अंदर मोस्टली चीज़ें जो होती हैं वो अननाउन होती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जब हमें कस्टमर बताता जाता है तो हम क्या करते हैं, एक एक मॉड्यूल को इंक्रीमेंट करके बना बना के और उसके अंदर चेंजेस करते जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पहला तो हो गया, उसके बाद जितने भी नए इंक्रीमेंट्स होते हैं, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सो ऑन, उसमें क्या करते हैं कि पहला हम क्या काम करते हैं, जो हम कस्टमर को, जिस तरह मैंने बोला कि मैं एडिशन का दिखाता हूँ, तो कस्टमर कहता है कि यार मुझे इंटरफेस नहीं पसंद आया, तो मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा कि मैं पहले इंक्रीमेंट में जाकर पहले इंटरफेस को चेंज करूँगा और फिर दूसरा जो है उसके अंदर जो है ना फीचर्स डालूंगा, मतलब, और फिर उसको दूसरा इंक्रीमेंट बनाऊंगा। तो ये देखें, अगर आप लिखा हुआ है द प्लान ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंटेड इज प्रिपेयर्ड, पहले क्या होता है मॉडिफिकेशन की जाती है पहले इंक्रीमेंट में, और दूसरे में क्या किया जाता है, फीचर्स ऐड किए जाते हैं जो पहले इंक्रीमेंट आपने किया हुआ उसके अंदर, और वो हमारा बेसिकली दूसरा इंक्रीमेंट बन जाता है, ठीक है। ये जो मॉडल है हम तब ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास यानी ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रिक्वायर्ड नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि सारे मिलके एक चीज़ के ऊपर ही फोकस कर रहे होते हैं, जब वो चीज़ ख़त्म होती है फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं, ठीक है। और सारा का सारा जो बेसिक कह सकते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है वो किसी एक चीज़ की तरफ ही फोकस कर रहा होता, ठीक है। अच्छा जी, नो डाउट के जब आप इंक्रीमेंट करते हो तो डेफिनेटली जो प्लान या रिस्क प्लान्स होते हैं या टेक्निकल रिस्क होते हैं वो भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको बड़े अच्छे तरीके से भी मैनेज भी किया जा सकता है। क्योंकि अगर एक इंक्रीमेंट के अंदर आपको रिस्क नज़र आ रहा है तो आप उसको उसी वक्त ठीक कर लोगे और बाकी इंक्रीमेंट्स के अंदर फिर वो आपको मसला क्रिएट नहीं करेगा। नंबर 3, लास्ट चीज़ ये कि जो इंक्रीमेंटल मॉडल होता है उसका पूरा का पूरा ध्यान सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की जो डिलीवरी होती है उसके ऊपर होता है। और हम करते क्या है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि जब मैं एडिशन का बना दूंगा, मैं कस्टमर को चेक करवाऊंगा, तो बेसिकली क्या, मैं हर इंक्रीमेंट का जो रिजल्ट है वो कस्टमर को साथ साथ चेक करवा रहा हूँ। वाटरफॉल में ऐसे नहीं था होता होता, ठीक है। अच्छा जी, इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होती है, सबसे पहले जो होती है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, और बेसिकली हम उसको ही पहला इंक्रीमेंट बनाते हैं कि ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। अच्छा जी, फिर क्या होता है कि जी जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर देते हैं, यानी रिक्वायरमेंट्स हमने ले ली, तो हम क्या करते हैं, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको हम फ्रोजन कर देते हैं और बारी बारी उसकी रिक्वायरमेंट, जिस तरह मैंने बताया कैलकुलेटर में कस्टमर ने बोला 4 मुझे ऑपरेशंस परफॉर्म करने चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो मैं क्या करूँगा, बारी बारी जो है हर इंक्रीमेंट के साथ साथ एक एक मॉड्यूल बनाकर उसको चेक करवाता जाऊँगा, ठीक है। अच्छा जी, कस्टमर जो होता है वो क्या, कस्टमर को जो है बेसिकली हर इंक्रीमेंट के साथ जो है वो जो है ना उसको डिलीवरी मिल रही होती है, साथ साथ नज़र आ रहा होता है कि उसका सॉफ्टवेयर किस तरीके का, जिसके वो क्या करता है कि अपनी इनपुट्स भी दे सकता है जो बाद की फंक्शनैलिटी को चेंज करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। जो शुरू के इंक्रीमेंट्स होते हैं मैंने पहले बोला वो डमी होते हैं, हम उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं, ठीक है। जो बेसिकली क्या होता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और अगर वहाँ से हमारा काम अच्छा हो जाए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ, तो फिर बाकी इंक्रीमेंटल मॉडल्स बनाने में हम लोगों को, या बाकी जो हमारे स्टेप्स होते हैं इंक्रीमेंट्स जो होते हैं उसको सॉल्व करने में हम लोगों को आसानी हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है जब हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद हमारी जो होती है वो टेस्टिंग की हो जाती है कि हमने सॉफ्टवेयर तो बना लिया, चेक करें कि सही बन भी रहा है या नहीं बन रहा। नंबर 2, एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल। अभी तक हम लोगों ने 3 मॉडल्स पढ़े, वाटरफॉल पढ़ा, वी शेप पढ़ा या वी मॉडल पढ़ा हम लोगों ने, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, इंक्रीमेंटल मॉडल था, ठीक है। एवोल्यूशनरी, लफ्ज़ एवोल्यूशनरी का मतलब होता है इनकलाबियत, तब्दीली करना,
ठीक है, विदाउट भी लफ्ज़ यूज़ होता है कभी कभी इसके लिए, ठीक है। अच्छा जी, इसमें क्या होता है कि कंप्लीट वेरिएंट जो होता है वो आइट्रेशन के साथ साथ होता है। पहले हम लोग इंक्रीमेंट पर रहे थे, अभी भी हम आइट्रेशन की तरफ ही हैं कि बारी बारी हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, मॉड्यूल्स को डेवलप करेंगे, एक प्लस करेंगे, नया मॉड्यूल बनाएंगे, फिर नया बनाएंगे, फिर नया बनाएंगे, करते 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 हम अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लेंगे। एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल के अंदर हमारे पास आती है प्रोटोटाइपिंग मॉडल्स, स्पायरल मॉडल, हम ये दो ही पढ़ेंगे आज बस, कोकरन डेवलपमेंट मॉडल और फोर्थ जनरेशन टेक्निक्स। फोर्थ जनरेशन टेक्निक्स जो है वो अभी भी रिसर्च बेस्ड है, तो मैं इसलिए आपको नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल की पहली टाइप है प्रोटोटाइपिंग। देखो जरा डायग्राम गौर से देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक प्लान बनाते हैं जल्दी जल्दी से, फिर हम क्या करते हैं उसी प्लान को यूज़ करते हुए हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि उसकी प्रोटोटाइप पहले हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब वो जो मॉड्यूल है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं, चेक कराते हैं कि यह मॉड्यूल एडिशन का मिसाल के तौर पर सही बना या नहीं बना, फिर क्या होता है कि कस्टमर जो है ना उसके बिहाफ पे फिर हमसे रिक्वायर कम्युनिकेशन करता है, फिर हम उसको देखते हुए प्लान बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हम एडिशन से शुरू करते हैं, कस्टमर ने बोला दो नंबरों को प्लस करने का जो है ना मुझे कैलकुलेटर बनाना है, तो सबसे पहले हम एडिशन का, कस्टमर कहता है जी दो नंबरों को प्लस करना चाहिए जो हमारे फ्लोट नंबर्स भी हों और इंटीजर डेटा टाइप भी हो, हम इससे प्लान करेंगे, उसका डिज़ाइन बनाएंगे, डिज़ाइन बनाने के बाद उसको बनाएंगे, हम लोग कस्टमर को दिखाएंगे, कस्टमर उसके ऊपर से कोई फीडबैक देगा हम लोगों को जो इधर मिलेगा, उसके बिहाफ पे कस्टमर बोलेगा हाँ ये चीज़ सही बनी, अब ऐसा करो, इसी तरह का माइनस का बनाओ, फिर माइनस का बनाएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर डिवीजन का। तो ये देखें अगर आप लोग, तो ये जो है आइट्रेशन हो रही है, बार बार चीज़ मूव कर रही है। अगर आप लोगों ने आइट्रेशन पढ़ी हो तो उसके अंदर भी ये होता था, लूप को हम लोग आइट्रेशन बोलते होते थे, तो लूप में क्या होता था, कोई चीज़ बार बार मूव कर रही होती थी सेम एक ही चीज़ दारोमदार में, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल जो है उसमें प्रोटोटाइपिंग जो होती है वो ये चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा जी, प्रोटोटाइपिंग अप्रोच कब बेटर है, प्रोटोटाइपिंग अप्रोच तब बेटर होती है जब हम लोगों के पास जनरल रिक्वायरमेंट ज़्यादा ना हो। मिसाल के तौर पर इनपुट्स क्या होनी चाहिए, प्रोसेसिंग किस तरीके से करनी है, और रिक्वायरमेंट आउटपुट क्या है, मतलब कि कस्टमर को एग्जैक्टली चीज़ चाहिए क्या, कस्टमर ना ही आपको ये पता है कि इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या करनी है, मतलब वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग किस तरीके से हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर ये बोले कि पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो दो नंबरों को, फिर उनको प्लस करो, फिर उनका जवाब बाइनरी में आएगा, फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके मुझे चेक कराओ। तो ये इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिल नहीं होती तो ये जो प्रोटोटाइपिंग वाला जो हमारा एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल है दैट इज़ वेरी फैंटेस्टिक। नंबर दो चीज़ ये है कि जब भी हम लोग जो है डेवलप करते हैं एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल के थ्रू, प्रोटोटाइपिंग के थ्रू, तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान ही रखते हैं कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की एफिशिएंसी क्या है, जो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हमारा पूरा ध्यान सिर्फ आइट्रेशन की तरफ होता है, ठीक है। तो ह्यूमन मशीन जो होती है बेसिकली, और द ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन शुड टेक प्लेस, जो HCI आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर पता चल रहा होगा कि वो किस तरीके से जो है वो वर्क करती है। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में होता क्या कि इंसान किस तरह इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर के साथ, तो ये चीज़ है। अच्छा जी, ये जो है बेसिकली स्टैंड अलोन प्रोसेस मॉडल भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे कस्टमर मुझे हाल ही ये कहता है कि मुझे एक दो नंबरों को प्लस करने का सॉफ्टवेयर बना कर दो, ठीक है, तो ये अगर आप ये देखें तो ये मैंने पहले ही आइट्रेशन में मेरा काम मुकम्मल हो जाता है, तो ये कह रहा है स्टैंड अलोन भी प्रोसेस मॉडल बन सकता है, ठीक है। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जो है ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्यों, क्योंकि कस्टमर के लिए ऑब्वियसली बात है, हमेशा कस्टमर के लिए रिक्वायरमेंट्स पहले से क्लियर करना कि मुझे दो नंबरों को प्लस करने का प्रोग्राम चाहिए, इसी तरीके से चाहिए, यही तरीका होना चाहिए, ये कस्टमर शुरू में आपको कभी भी नहीं बताता। आप में से जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा जी, प्रोटोटाइपिंग में सबसे पहले हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो क्या होता है कस्टमर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बीच में होती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, फिर क्या होता है प्लानिंग करते हैं, फिर हम डिज़ाइन बनाते हैं, फिर हम उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर फीडबैक कस्टमर से लेते हैं। बेसिकली ये जो पांच टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई हैं जो मैंने पहले डिफाइन की हैं उसको आगे डिफाइन किया गया, ठीक है। अच्छा जी, प्रोटोटाइप में भी हम लोगों ने ये बोला कि बेसिकली जो है वो क्या किया जाता है, जब पहली आइट्रेशन होती है हमारी वो डमी होती है, यानी हम लोग उसको फर्स्ट सिस्टम बोलते हैं, उसमें ऑब्वियसली बात है कि कस्टमर को जो है वो कस्टमर को बेसिकली अभी रिक्वायरमेंट्स का पता नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ साथ जब हर आइट्रेशन कंप्लीट होती है तो कस्टमर को कुछ चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा जी, इश्यूज़ क्या क्या हैं, इशू सबसे पहली चीज़ है कि जब आप कस्टमर को पहले ही आइट्रेशन का रिजल्ट चेक कराते हो ना, तो कस्टमर को लगता है यार इसने तो दो नंबरों को प्लस करने का सॉफ्टवेयर बना लिया,
नहीं है, अब तो उसको सिर्फ माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ही लगाना है, बाकी तो उसका और कोई काम ही नहीं है। तो ये तो मुझे हफ्ते का कह रहा है तो 2 दिन में मुकम्मल करके दे सकता है। तो मतलब है कि कस्टमर ये समझता है कि सॉफ्टवेयर तो मेरा 99% तैयार है ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ क्या होती है कि जी जो डेवलपर होता है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है कि प्रोटोटाइप बना रहा होता है, मतलब सॉफ्टवेयर बना रहा होता है बगैर ये सोचे कि मैं कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करूँगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करूँगा, जो प्रोग्राम मैंने लिखा है उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी, टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है। ये ना हो कि मैं प्रोग्राम तो लिख दूँ वो इतना ज़्यादा भारी हो जाए कि वो किसी कस्टमर के सिस्टम पर चलते भी मतलब 10 बार सोचे या 10 मिनट लगा दे उस पर चलने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, एक जो सबसे बड़ी अजीब चीज़ ये होती है कि जो कस्टमर और डेवलपर होता है वो क्या करते हैं कि जी जो पहली प्रोटोटाइप आती है उसके ऊपर ही एग्री कर जाते हैं, ठीक है, और जो होता है इसी के बेसिस के ऊपर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कस्टमर और हमें लगता है कि वो फाइनल हो गई हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब ऐसा भी होता है सम टाइम जो प्रोडक्ट पूरा बन जाता है और उसके बाद जाके पता चलता है कि भाई ये चीज़ तो ऐसे नहीं थी जिस तरह मैं चाह रहा था। तो ये एक बहुत बड़े फ्लॉज हैं इसके अंदर, ठीक है। 5 मिनट की ब्रेक होगी, जस्ट 5 मिनट की। अच्छा जी, एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने प्रोटोटाइपिंग पढ़ी थी, ठीक है, उसके हमने फ़ायदे देखे, नुकसान देखे। अब हम दूसरा प्रोसेस मॉडल पढ़ रहे हैं, स्पायरल। अगर आप स्पायरल को गौर से देखें तो बेसिकली ये स्पायर्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। बेसिकली हम इसको मकड़ी का जाला भी बोलते हैं। स्पायरिंग मॉडल होता किस तरह, अगर आप इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे ना तो आपको पूरी टेक्निक समझ आ जाएगी। मेरे माउस की तरफ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, इसके अंदर हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कस्टमर से कम्युनिकेशन करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, हम मॉडलिंग करते हैं, उसके बाद उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, कस्टमर को डिप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब आते हैं तो कस्टमर हमें बताता है कि भाई ये आपने ठीक बनाया, फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्पायरल बनाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, चीज़ तब्दील करते हैं। अगर कस्टमर ने किसी चीज़ को तब्दील करने के लिए बोला तो हम वापस पीछे भी जा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि मैंने पहला बना के दिया एडिशन का, कस्टमर ने बोला यार इंटरफेस ठीक नहीं है, तो मैं उसी टाइम पहले ही इंटरफेस पहले स्पायरल का जो इंटरफेस है उसको ठीक कर दूंगा। फिर क्या होगा, दोबारा कम्युनिकेशन होगी, कस्टमर बोलेगा हाँ अब आप ऐसा करो कि सब कुछ ठीक है, तो अब आप ऐसा करो प्लस के लिए बना लो, सॉरी मल्टीप्लीकेशन के लिए बना लो। मैं क्या करूँगा, पहले उसकी प्लानिंग करूँगा, फिर उसकी मॉडलिंग करूँगा, फिर उसको कंस्ट्रक्ट करूँगा और फिर उसको क्या कर दूँगा, डिप्लॉय कर दूँगा, ठीक है। इसी तरह ये आहिस्ता आहिस्ता पूरा जो हमारा एरिया है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमारा जो सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्लीट डिप्लॉयमेंट की फेज़ के ऊपर आकर ख़त्म हो जाएगा। तो ये हम लोग इसको जब इस तरह का जो कोई मॉड आता है हम उसको स्पायरल प्रोसेस मॉडल बोलते हैं। अच्छा जी, स्पायरल में होता क्या कि ऑब्वियसली बात है कि सबसे पहले हम वही बात है, जब भी कोई प्रोसेस मॉडल यूज़ होगा जिसका पहला फेज़ होगा ना, जो सबसे पहली चीज़ हम बना के कस्टमर को देंगे एक्सेप्ट वाटरफॉल एंड वी, जो वी मॉडल है, क्योंकि उसमें तो एंड पे जाके हम कस्टमर को देते हैं ना, तो उसके अलावा जितने भी मॉडल्स होते हैं सबसे पहले प्रोटोटाइप ही बना के दी जाती है कि डमी सा सॉफ्टवेयर आप देख लें, आपको पसंद है या नहीं पसंद, तो कस्टमर उसको देख के पसंद कर लेता है और फिर हम ऐसा करते हैं कि उसको मद्देनजर रखते हुए पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो इसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि हम क्या करते हैं कि इसमें लीनियर सिक्वेंशन मॉडल की तरह नहीं होता, बेसिकली हर चीज़ होती है वो कंट्रोल्ड होती है, ठीक है। नंबर 2 चीज़ ये होती है कि ये जो है डेवलपमेंट जो होती है इसमें बड़ी जल्दी हो जाती है, ठीक है, और वक्त के साथ साथ जैसी स्पायरल इंक्रीज होता रहता है हमारे सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी और हमारे सॉफ्टवेयर का वर्क जो होता है वो रिफाइंड होना शुरू हो जाता है, रिक्वायरमेंट्स कस्टमर की साथ साथ क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। पहले मैं जिस तरह मैंने बताया 2 नंबरों को प्लस करने का, अगर हम बोलें कि कैलकुलेटर के अंदर, तो कस्टमर को पता चल जाएगा, बता देगा इंटरफेस नहीं पसंद आया यार, ये नंबर इस तरह नहीं, फॉन्ट चेंज करो, साइज चेंज करो, विंडो का साइज चेंज करो, क्रॉस का बटन इधर नहीं इधर होना चाहिए, तो कुछ चीज़ें रिफाइन होकर आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, स्पायरल प्रोसेस मॉडल के अंदर जब भी हम लोग कोई चीज़ डेवलप करते हैं तो वो 2 आइट्रेशन्स में होती है, 1 अर्ली आइट्रेशन, 2 जो होती है लेटर आइट्रेशन। अर्ली आइट्रेशन कौन सी होती है, जो बेसिकली आप उसका जो प्रोटोटाइप यानी आप अपने पेज पेपर के ऊपर जो बनाते हो कि जी इस तरह का आपको सॉफ्टवेयर नजर आएगा। अक्सर जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है ना वेबसाइट बनवाने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ कि उसको ना पहले उसका डिज़ाइन बनाकर देता हूँ एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर या फोटोशॉप के अंदर, ऑलरेडी मेरे पास बने भी पड़े होते हैं, तो मैं कस्टमर को सेंड करके बोलता हूँ कि ये देखें कि आपकी वेबसाइट जो है वो इस तरह की नजर आएगी, आइदर यू लाइक दिस डिज़ाइन और नॉट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अर्ली आइट्रेशन की, जिसे मैंने क्या किया पेपर पे कोई चीज़ बनाकर सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं किया, वो मैंने वेबसाइट बनाई नहीं, मैंने उसकी इंटरफेस बनाकर बेसिकली कस्टमर को चेक कराया कि चेक कर लें आइदर यू आर सेटिस्फाइड दैट डिज़ाइन और नॉट।
नंबर दो चीज़ है लेटर आइट्रेशन। लेटर आइट्रेशंस में क्या होता है कि वो बेसिकली वेरिएंट्स जो होते हैं सॉफ्टवेयर के, मिसाल के तौर पर आज मैंने वेबसाइट बनाई, आज से साल बाद क्रिसमस आती है सपोज करो, तो कस्टमर्स बहुत सारे रब्ता करते हैं कि क्रिसमस सेल लगाओ, तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए हमें वेबसाइट के कलर्स चेंज करने पड़ते हैं, रेड भी चेंज करना पड़ता है या उसमें ऑफर्स लगानी पड़ती हैं इस तरह की, तो उस सूरत में हम उसको क्या कहते हैं कि वो हमारी लेटर आइट्रेशन होती हैं। ऑब्वियसली बात है हमने कहा था कि जो भी प्रोसेस मॉडल यूज़ करेंगे उसमें CPMCD होगा, ये क्या आते हैं हमारे, ये कौन है जो तो आप मिसाल के तौर पे आपने सॉफ्टवेयर बना के दिया ही कस्टमर को, लेकिन हुआ क्या जब आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे दिया, दो साल गुजरे, कस्टमर आया आपके पास कहता है यार मैं चाहता हूँ इसके अंदर ये चीज़ भी ऐड हो जाए, तो जब आपने स्पायरल मॉडल यूज़ किया होगा तो आपको सिर्फ एक स्पायरल और बनाना है बस, नथिंग एल्स। क्यों? क्योंकि बाकी सारे फेजेस तो आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आपके पास पड़ी हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है स्पायरल मॉडल का। अच्छा जी, अब स्पायरल मॉडल को थोड़ा सा और गौर से देखते हैं, अब आपको ज़रा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसमें सबसे पहला अगर आप फेज देखें तो हमारा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, दूसरा जो होता है हमारा ये जो ये कलर के हिसाब से स्कीम देखिएगा, दूसरा जो हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तीसरा जो हमारा फेज़ होता है वो बेसिकली प्रोडक्ट इन्हेंसमेंट का होता है, और लास्ट जो होता है हमारा वो प्रोडक्ट मेंटेनेंस का होता है। अगर आप ऊपर चेक करें तो नाम वही लिखे हुए, कम्युनिकेशन प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और कस्टमर वैल्यूएशन, ये बेसिकली फेजेस हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम देखते हैं ये फेजेस करते क्या क्या हैं। सबसे पहला क्या है, करंट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा जी, करंट प्रोजेक्ट बेसिकली अगर आप देखें तो बिल्कुल शुरू की चीज़ होती है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक प्रोटोटाइपिंग या फर्स्ट इंटरफेस जो होता है जो हम कस्टमर को बनाकर दिखाते हैं। अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है कि हम क्या करते हैं कि हम शुरू कोर से करते हैं और फिर इसको यूज़ करते हुए मल्टीपल इटरेशन करते रहते हैं अंटिल कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हो गया है तो एक्चुअल प्रोडक्ट को बनाने में हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। जिस तरह मैंने बताया कि मैं कस्टमर को पहले से ही तस्वीर बनाकर दे देता हूँ तो कस्टमर को पता चल जाता है और मुझे भी पता चल जाता है कि ये चीज़ मुझे करने आती है, ज़ाहिर है मैं तभी कस्टमर को वो चीज़ दूंगा ना जो चीज़ मुझे करने आती होगी, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा जी, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये यानी सेकंड फेज जो है, यहाँ से ये कंप्लीट हो गया, अब हम दूसरे स्पायरल में आए। दूसरे स्पायरल में क्या है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। न्यू प्रोडक्ट में क्या होता है, आपने सबसे पहले प्रोटोटाइप बना दी जो कॉन्सेप्ट में थी, अब न्यू प्रोडक्ट को आपने क्या किया उसके अंदर आइट्रेशन करते हुए स्पाइरल के अंदर आपने क्या किया कि नया प्रोडक्ट बना दिया। अब नया प्रोडक्ट अगर इस सूरत में देखें तो क्या है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक प्रोटोटाइप बनाई जिसमें मैंने कस्टमर को बताया कि भाई तुम्हारा कैलकुलेटर इस तरीके का नजर आएगा, तो ये मेरा क्या हो गया, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गया। नेक्स्ट फेज चलेगा मेरा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, माउस किधर गया मेरा, हाँ ये वाला फेस, जब मैं इधर से चल रहा हूँ प्लानिंग रिस्क एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा कि अपना जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली सारा वो कस्टमर को चूंकि मैंने उसने दिखा दिया और कस्टमर सेटिस्फाइड है तो मैंने बना दिया उसको, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप देखें इसके अंदर लिखा हुआ है कि न्यू प्रोडक्ट जो होता है वो इवॉल्व कर रहा होता है नंबर ऑफ आइट्रेशन के थ्रू, जो स्पायरल पे हो रही होती है नंबर ऑफ आइट्रेशन ज़्यादा हो रही होती हैं, ठीक है। लेटर क्या किया जाता है, हम लोग इसकी जो है ना प्रोडक्ट इन्हेंसमेंट करते हैं, ठीक है। इन्हेंसमेंट क्या चीज़ होती है, हम नेक्स्ट वाले पे देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपना प्रोजेक्ट भी बना दिया, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं। देखो इन्हेंसमेंट का लफ्ज का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ के अंदर किसी फीचर को ऐड करना, इन्हेंस करना उसे। ये देखो अब हम यहाँ से आइट्रेशन करेंगे दोबारा से, ये हम लोग इधर से आके हम लोग ये इधर तक पहुंच गए, ठीक है। तो जब हम इधर पहुंचे तो हमारा क्या आता है, ये हमारा प्रोडक्ट इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट है। ये क्या होता है कि ऐसा भी होता है कि जब आप सॉफ्टवेयर आप बना लेते हो तो जो सॉफ्टवेयर टीम होती है बेसिकली उसका जो काम होता है वो प्रोजेक्ट को जो है वो बनाना नहीं होता, उसके बाद उसके अंदर चीज़ों को इन्हेंस करना होता है, ठीक है। तो इसमें फिर ये चीज़ हो सकती है कि चेंज जो है वो उसके अंदर करना पड़ सकता है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जी उस जगह हम लोग चेंज करते हैं, लेकिन एक बार दोबारा देख लेते हैं। देर आर टाइम्स वेन प्रोसेस इज डोमिनेंट और सॉफ्टवेयर टीम नॉट डिवेलपिंग न्यू थिंग्स बट चेंज इज इनिशिएटेड, कि कोई तब्दीली शुरू हो गई है, तो इस फेज़ के अंदर हम क्या करेंगे, उस तब्दीली को हम लोग फैसिलिटेट करेंगे। ये वाली चीज़ मतलब यहाँ तक मेरा प्रोजेक्ट बन गया था, अब मैं क्या करूँ, अगर कोई चेंज है तो मैं इस चेंज को सारे फेजेस से गुजार कर यहाँ तक लेकर आऊँगा और मेरे सारे चेंजेस भी डन हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसके अंदर क्या था, प्रोडक्ट मेंटेनेंस प्रोजेक्ट। तो ऑब्वियस ही बात है जब चेंजेस भी होगी तो अब उसकी मेंटेनेंस, क्या आपका प्रोजेक्ट चलता रहे सही तरह, प्रोडक्ट सही तरह चलता रहे, उस चीज़ के ऊपर रहता है, ठीक है। अच्छा जी, हम लोगों ने बात कर ली स्पायरल मॉडल के ऊपर। स्पायरल मॉडल में हमने बोला कि पहले हम प्रोटोटाइपिंग करते हैं, तो प्रोटोटाइपिंग से क्या होता है कि जो रिस्क होता है कि हमारा सॉफ्टवेयर सही नहीं बनेगा उस बहुत कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या चीज़ होती है कि
जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो डेवलपर होता है ना, उसके लिए ये होता है कि प्रोटोटाइप को अर्ली स्टेज में, मतलब फर्स्ट में ही बनाना बहुत ज़रूरी है. मतलब ये जो चीज़ है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट पेपर पे बनाना. तो मैं कस्टमर को पहले, लाजमी है मेरे लिए कि मैं कस्टमर को दिखाऊं कि आपकी वेबसाइट ऐसे बनने वाली है, या आपके लिए बेटर है कि आप कस्टमर को पहले ये ज़रूर बताओ कि देखो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इस तरीके का होगा. ठीक है, तो ये मतलब होता है इसके अंदर. ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जब हम कस्टमर को, हमें वो पसंद आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, फिर हम लोग इसकी डिवेलपमेंट स्टार्ट करते हैं, जो हमारा न्यू प्रोडक्ट डिवेलपमेंट था. फिर हम क्या करते हैं, जो चेंजेस होती हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसको हम लोग प्रोडक्ट इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट में करते हैं, और लास्ट फिर हमारी मेंटेनेंस में आ जाती है. मेरे हाल से आप लोगों को इस चीज की समझ लगी होगी, इश्यूज क्या क्या हैं. ठीक है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं इसके अंदर बता दूं, कि जो हमारा अगर रिस्क जो होते हैं रिजॉल्व ना हो, तो प्रोजेक्ट जो होता है किसी भी सूरत में टर्मिनेट हो सकता है. किस तरह, मैं अभी आपको दिखाता हूँ. देखिए, पहले में हम लोगों ने ये किया, उसमें भी रिस्क एनालिसिस था. दूसरे में जब प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमें पता चला नहीं यार, अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट तो फारग हो जाएगा, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से टर्मिनेट कर देंगे, रादर देन के पूरा सॉफ्टवेयर बनाकर फिर उसकी चेकिंग करें. तो हम बारी बारी हर फेज में चेकिंग करते रहते हैं उसकी. ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद स्पायरल मॉडल में क्या चीज़ होती है कि जी ये बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी कस्टमर को कन्विंस करना कि जी जो आप एवोल्यूशनरी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं वो कंट्रोलेबल है. अब इसका मतलब क्या होता है, ये देखें आप इस प्रोडक्ट को देखें. हम अपनी वही एग्जांपल लेंगे दो कैलकुलेटर की, कि आपने पहला बनाया तो आपको बेसिकली प्रोटोटाइप मिल गया, आपने कस्टमर को दिखाया, कस्टमर को लगा यार इसने तो चीज़ ऑलमोस्ट बना दी है, अब इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है. ठीक है, अब क्या पता जब हम डेवलपमेंट फेज के अंदर आए, मतलब सेकंड में जाएं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो हमें उसके अंदर कितने इशूज़ फेस करने पड़े, टाइम भी ज़्यादा लग सकता है, ये सारा कुछ है. तो इसका मतलब है कि कस्टमर को ये समझाना कि एवोल्यूशनरी मॉडल या स्पायरल मॉडल को यूज़ करते हुए हम लोगों को रिस्क या टाइम को कंट्रोल करना आसान है, तो डेट इज़ वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि हम कस्टमर को दिखा देते हैं ना चीज़, तो कस्टमर को लगता है कि यार इसने तो डेवलप की हुई है, तो उसको तो पता हर चीज़ का, तो ये अगर 2 दिन कह रहा है तो मतलब 2 दिन ही है. ठीक है, नंबर दो चीज़ ये है कि अगर रिस्क जो है ना, जो मेजर रिस्क है, मिसाल के तौर पर आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जिसमें आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखा ही नहीं कि 2 लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कोई तीसरा बंदा उसको हैक कर सके, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रिस्क है. और अगर इस तरह का रिस्क हो तो उसको मैनेज करना, उसको अनकवर करना बहुत आसान है. क्यों? क्योंकि आप एक ही फेज़ के अंदर पूरा सॉफ्टवेयर डिवेलप कर देते हो, उसके बाद आप उसके अंदर फीचर्स ऐड करते रहते हो, तो ये एक चीज़ बड़ी जो है ना इसके अंदर एक फ्लो में आती है. ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद अगर आप स्पायरल मॉडल देखेंगे तो स्पायरल मॉडल के आगे बेसिकली जो हमारा कोकरेंट डेवलपमेंट मॉडल आता है, ये हमारा लास्ट है जो आज हम लोगों ने पढ़ना है. ये अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समय लग जाएगी. देखो, सबसे पहले हमारा नन था, ये मैं इधर अपना माउस रख रहा हूँ, आपको इधर से समय लग जाएगी. ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट अंडर डिवेलप था. ठीक है, हमने क्या किया, उसको अंडर रिव्यू में लेके गए, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से चलेगा. हम लोगों ने क्या किया कि जी प्रोजेक्ट अंडर डेवलप कंडीशन में था, सॉरी. ठीक है, हम लोगों ने क्या किया कि उसके अंदर चेंजेस करनी थी, हम लोगों ने रिवियंस के अंदर रखा, उसको रिव्यू किया, बेसलाइन की, जब सारा काम मुकम्मल हो गया, डन हो गया. ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जो कोकरेंट मॉडल होता है उसके अंदर क्या चीज़ होती है कि ये जो सेक्शंस आप बना रहे हो, या बेसिकली आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया लेकिन आप चेंजेस का वेट कर रहे हो, आपको उसको रिव्यू करना है, उसके बाद फिर उसकी बेसलाइन फाइनल करनी है कि हाँ जो मैंने चीज़ चेंज की है उसकी कोई एक लिमिट है, उसका कोई एरिया है, तो उसके बाद आप उसको डन पे लेके जाते हो. ये आगे आप देखेंगे तो आपको उस समय लग जाएगी कि बेसिकली उन जगहों पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, या जहाँ पर सॉफ्टवेयर टीम ज़्यादा इन्वॉल्व होती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें हर जगह अंडर डेवलपमेंट के बाद हम चेंजेस को देख रहे होते हैं, चेंजेस को रिव्यू कर रहे होते हैं. ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये कि जितनी भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसको डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर देते हैं. जिस तरह अगर 4 नंबरों कैलकुलेटर था तो प्लस के लिए मैंने अलग टीम बना ली, माइनस के लिए मैंने अलग टीम बना ली, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए अलग अलग टीम बना ली. अब ये वही चीज़ लिखी हुई है जो आप लोगों ने इधर डायग्राम में देखी है, ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर ख़त्म करते हैं अपना लेक्चर. इसमें ये चीज़ है कि सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग एक्टिविटी एनालिसिस करते हैं. एक्टिविटी एनालिसिस में क्या होता है कि जब हम इनिशियली कस्टमर के साथ जो है हम लोग जो है ना डिस्कशन करते हैं कि आपको सॉफ्टवेयर चाहिए किस चीज़ का, तो अभी वो हमारे अंडर डेवलप में जा रहा होता है. ठीक है, फिर क्या होता है कि जी अंडर डेवलप से वो क्या चला जाता है, वेटिंग चेंजेस की तरफ चला जाता है, यानी इधर चला जाता है. क्यों? क्योंकि आप डेवलप कर चुके हो, तो उसके बाद वो चेंजेस जो कस्टमर की चाहिए वो कस्टमर देगा उसको आपको. ठीक है, फिर क्या होगा,
जब आप इनिशियल स्टेज कंप्लीट कर लेते हो तो फिर क्या होता है कि जी आपने चेंजेस कर दी, चेंजेस करने के बाद क्या होता है कि वो अवेटिंग चेंजेस से क्या करता है, वो डन पे चला जाता है। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये अवेटिंग चेंजेस था, चेंजेस आपने रिव्यू अंडर रिव्यून रखा हुआ था। अच्छा जी, चेंजेस आपने कर दिया, आपने इसको रिव्यू किया, उसकी बेस लाइन क्रिएट की, बेस लाइन का मतलब होता है कि लिमिटेशन ये है, और डन किया। जब डन कर दिया तो आपका प्रोजेक्ट क्या हो गया, वहाँ पर मुकम्मल हो गया। ठीक है, अच्छा जी, एक जो इसके अंदर चीज़ है वो ये है कि जी जो इसके अंदर ज़्यादा जो हम देखें, ज़्यादा आपने फोकस किया हुआ वो चेंजेस के ऊपर किया हुआ, ठीक है। और ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं, नेटवर्क ऑफ एक्टिविटीज़, जिस तरह मैंने बताया कि हर टीम जो होती है वो एक मॉड्यूल को सेट कर रही होती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हर मॉड्यूल टास्क या एक्टिविटीज़ होती हैं वो सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही होती हैं एक दूसरे के साथ। जिस तरह आपकी क्लास के कुछ बच्चे प्लस का प्रोग्राम करें, कुछ माइनस का करें, कुछ मल्टीप्लीकेशन और कुछ सब्ट्रैक्शन का, तो उस सूरत में जाहिर सी बात है कि हर बंदा अपने हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि जो इवेंट्स आप एक पॉइंट में आप बनाते हो, आप उसी को दूसरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे दो नंबरों को प्लस करने के लिए एक टीम ने काम किया, इसी तरह आप उस टीम को यूज करते हुए बाकी टीम को ट्रेन कर सकते हो कि आप माइनस के लिए भी यही टेक्निक रखो। ये बेसिकली आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले प्रोसेस मॉडल्स देखे क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने बात की कि हम लोग प्रिसिप्टिव मॉडल्स की बात करते हैं, प्रिसिप्टिव के अंदर हम लोगों ने वाटरफॉल की बात की, वाटरफॉल के बाद हमने वी मॉडल की बात की, वी मॉडल के बाद हम लोगों ने बात की एवोल्यूशनरी, एवोल्यूशनरी के अंदर हम लोगों ने प्रोटोटाइपिंग की बात की, प्रोटोटाइपिंग के बाद हम लोगों ने बात की आइट्रेटिव, हाँ आइट्रेशन प्रोसेस मॉडल के ऊपर बात की हम लोगों ने, और उसके बाद हम लोगों ने कोकरेंट डेवलपमेंट को देखा, ठीक है। तो ये आज का सारा लेक्चर था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इस लेक्चर की। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आज आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है वो ये है कि